लापता बालक को 12 घंटे के भीतर किया परिजनों के सुपुर्द। बीते दिवस रामेश्वरी लोधी पिता श्यामलाले लोधी निवासी बोदा इराय के ने थाना पपई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके नाती रामकरण लोधी पिता बंधु लोधी उम्र करीब 12 साल दिनांक 16/12/2023 को आदर्श हनुमान बालक मंदिर कृष्णगंज पढ़ने के लिए गया था, लेकिन जब शाम तक वापस नहीं आया तब पूरे रिश्तेदारों में पता किया पर पता नहीं चला। फिर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने आए। रिपोर्ट पर थाना पवई में अपराध क्रमांक 471/23 धारा 363 IPS कायम कर विवेचना में लिया गया एवं घटना के संबंध में तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना शाइन कृष्ण एस थोटा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती आरती सिंह एवं SDOP पवई सौरभ रत्नाकर के मार्गदर्शन में तत्काल ही थाना प्रभारी पवई सुधीर कुमार बेगी के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और 12 घंटे के अंदर लापता बालक को खोजकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी पवई सुधीर कुमार बेगी, उप निरीक्षक सावित्री राजपूत, सह उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, लखन प्यासी, गणेश सिंह, अशोक प्रजापति, अरंजीत सिंह, महेश चौहान, संजय पटेल, जितेंद्र गोयल, सुशील शिवानी सिंह, अंजलि मिश्र, अनुराधा की अहम भूमिका रही। बूदा पिता थाना पवई ने रिपोर्ट किया था कि उसका जो नाती है वो 16/12/2023 को स्कूल की करके निकला था, लेकिन जब शाम तक वो घर तक नहीं पहुंचा उनने पूरी रिश्तेदारी में पता किया, लेकिन जब कोई पता नहीं चला तो कल शाम को थाना रिपोर्ट करने आए थे। घटना के संबंध में तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना श्री साई कृष्ण छोटा जी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती आरती सिंह और SDOP महोदय पुलिस श्री सौरव रत्नाकर के मार्गदर्शन में तत्कालीन टीम गठित की गई थी। रात में ही पुलिस यहाँ से पहुँची थी वहाँ पर, जब उनके परिजनों के कारण पता किया और मेहनत करके उसको खोजबीन की तो वो लड़का जो अपहरण था 12 साल का बच्चा चिंता का विषय था, तत्काल हुई पुलिस के द्वारा उसके रिश्तेदारी में ढूंढ लिया गया था। रात में ही पुलिस के द्वारा उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। आज जो उनको थाने में तलब किया गया जो अपहरण बाल के माननीय न्यायालय में धारा 164 के तहत कथन लेकर कराए जा रहे हैं और पुलिस ने कड़ी मेहनत करके इस बालक को दस्तियाब किया है और उनके परिजनों के सुपुर्द किया है।